हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री कौल सिंह पर फोन टेपिंग के मामले में फंसाने के प्रयास के चलते हमीरपुर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि कौल सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और एक स्वच्छ छवि के इंसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष एवं PCC डेलीगेट राजेंद्र जार, प्रदेश युवा कांग्रेस नेता बलबिंदर बबलू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोक्स पर्सन दीपक शर्मा व आधार पंचायत के प्रधान व कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने संयुक्त बयान में कहा है कि कथित CD का बाहर आना एक ड्रामा मात्र है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की राजनीति में सनसनी पैदा करना है। वहीं भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इसकी निंदा करते हुए जांच की मांग की है। कुछ भी माननीय ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा है उस चीज़ की जांच होनी चाहिए। हमने पहले ही कहा कि जो भी इस चीज़ से जुड़े हैं षड्यंत्रकारी और जो भी अपने पदों का सरकारी पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं या इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए और उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। कंसर्न्ड जो मंत्री हैं उन्होंने स्पेसिफिक एक ऑफिसर के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए हैं कि ये सारा कार्य जो उसने किया गया है, मैं तो चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर वे नाल इंक्वायरी हो और इसके पीछे मनसा क्या है, इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उन सब को पब्लिक के सामने असलियत उनकी आनी चाहिए और जो उन्होंने ऑफेंस किया उसके तहत उनको सजा भी मिलनी चाहिए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।